नमस्कार, मैं अविनाश जैन, फाउंडर एराइज। जैसे कि हम संगम वेलफेयर सोसाइटी के तहत आज अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत से सॉल्यूशंस देते आ रहे हैं, आज हमारा जो शीर्ष है, टॉपिक है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन की जो फैसिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिले। आज हमारे देश में सरकार ने हाउस लोन की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी बना रखी है। बहुत एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 25 साल तक के लिए हाउस लोन दिया जाता है, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग अपने घरों में रह रहे हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जब वह उसका कोई भी ऑनर है, बड़ी कम पूंजी से शुरू करता है कार्य और वो बहुत काम को जब बढ़ाना चाहता है तो उस पर फैक्ट्री को खरीदने की और उस पर बिल्डिंग बनाने की बहुत बड़े चैलेंज के रूप में सामने आता है। जब वह बैंक पे लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक कहता है कि हम 7 साल से ज्यादा आपको बिल्डिंग के लिए और लैंड के लिए लोन नहीं दे सकते, मशीनरी के लिए 5 से ज्यादा साल के लिए लोन नहीं दे सकते, मशीनरी के लिए 10 साल तक के लिए लोन होना चाहिए और लैंड बिल्डिंग के लिए कम से कम 25 साल तक के लोन की फैसिलिटी होनी चाहिए। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई इंडस्ट्री 5-7 साल में बिजनेस से पैसा कमा के कहां दे सकता है वो लैंड और बिल्डिंग की इंस्टॉलमेंट को? फिर वो लोन ले लेता है, प्रोजेक्शंस बना देता है, जब किस्तें पे नहीं होती तो एनपीए हो जाते हैं। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनपीए का बहुत बड़ा टेंशन टंगा रहता है। जब वो व्यापार शुरू करता है बहुत सारे अपडाउन आते हैं तो उसको बार बार फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो फंड बैंक से तो बार बार लिमिट नहीं ले सकता। उसको जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, बैंक को, गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जैसे हाउस लोन की पॉलिसी, 25 साल तक की 7% के ऊपर। आज हम देखें चाइना इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। चाइना में सरकार ग्राहक तक अवेलेबल कराती है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री बनाने के लिए पार्टनरशिप होती है, 2% ब्याज पे पैसा देती है सरकार और जब तक इंडस्ट्री कामयाब नहीं होती तब तक ब्याज और इंस्टॉलमेंट भी नहीं देती है। आज चाइना ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, उसमें सरकार का बहुत तरीके से योगदान है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री वो इसीलिए बना है क्योंकि सरकार उसमें एज ए पार्टनर बन के काम कर रही है। हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा है, हमारे देश के जैसे जो एंटरप्रेन्योर का जो टैलेंट है पूरे वर्ल्ड में नहीं है। चाइना के लोगों को 2-4 करने में बहुत टाइम लगता है, हमारे देश का जो एंटरप्रेन्योर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाने वाला वो बहुत काबिल है। उसको एक लोन की अच्छी फैसिलिटी मिले, एक मार्केट बाद में बनेगी, एक अच्छी इंडस्ट्री बना पाए वो और अपने व्यापार को रन कर पाए। आज अगर हम देखें तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला लैंड और बिल्डिंग लेके बनाता है तो एक हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यूजफुल होता है, फिर वो कई लोगों को रोजगार देता है, उसकी आमदनी से वो जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, अनेकों प्रकार के डेवलपमेंट एक्सपेंस देता है, कितनी तरह से उसको वो बेनिफिट सरकार को वो देता है। सरकार चाहती है एंटरप्रेन्योर बढ़े, सरकार चाहती है, सरकार के चाहने में बोटल नेक पता नहीं क्यों नहीं हमारा खत्म हो पा रहा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक 25 साल का लोन दें। ये सेफ लोन है, वो लैंड और बिल्डिंग की कभी डेप्रिसिएशन ऐसी नहीं होती, लैंड की वैल्यू नहीं घटती है, एक रिजनेबल पार्क बना के सही लैंड बिल्डिंग के लिए अगर सरकार 25 साल के लिए लोन देती है, सरकार को एम्प्लॉयमेंट जो पब्लिक को देगा और एक्सपोर्ट में सपोर्ट करेगा, देश में सस्ते प्रोडक्ट देगा। आज कोरोना की वजह से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हिल गया। आज अगर हमारी इंडस्ट्री थोड़ी खड़ी है तो हम लोग किट भी बना के दे पा रहे हैं, टेस्टिंग की है, बहुत अनेकों प्रोडक्ट है जो हम चाइना के कंपैरेटिवली दे पा रहे हैं, पर अंदर की बात है कि हम भी बहुत ज्यादा डिपेंड है चाइना पे। आज सरकार बहुत कुछ सोच रही है, सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस देश की इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। ये सेफ लोन के ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा 2% पे लोन हमको सरकार दे, 5-7% पे लोन दे, 25 साल का टाइम दे, बाकी मशीनरी का लोन जो है जैसी मशीनरी की लाइफ है 7 साल 10 साल वैसा थोड़ा टाइम पीरियड बना के लोन दे, जो कि इस फिक्स
खर्चे को करने के बाद इंस्टॉलमेंट के प्रेशर से इंडस्ट्री ना बैठे, खाते एनपीए ना हो, इस तरह का हमारे को एक एसएसआई यूनिट को सरकार को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, जो रोजगार भी बढ़ाएगी, हमारी जीडीपी भी बढ़ाएगी, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एसएसआई यूनिट से ही मिडल और बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को एक बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए ये रोड मैप, ये रोड पर ये हमारे को चाहिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा, तब खत्म होने के बाद जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के लिए और जो भी पॉलिसीज ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज आप ला रहे हैं और लानी पड़ेंगी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो उसमें आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो ये बोटल नेक है, जो मैंने पर्सनल फील किया है लोगों से मिलके बातचीत करके, इससे उनको मुक्ति देनी पड़ेगी। जो होम लोन की तरह से आपको इंडस्ट्री को भी लैंड बिल्डिंग के लिए लोन की पॉलिसी को लाना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये वीडियो सुना, हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नए एंटरप्रेन्योर बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, और लोन कैसे आ सकता है, सरकारी पॉलिसीज का कैसे फायदा आप ले सकते हैं, अनेकों प्रकार के हम वीडियो देते हैं आपको बना के। आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, www.sangam.org, इस पे आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, आप मिल भी सकते हैं। नमस्कार।